आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं जानता हूँ ये वीडियो आप तक नहीं पहुँचेगा, मैं ये भी जानता हूँ कि इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी जो आपके प्रति साजिश हो रही है और आपको सत्ता से दूर ले जाया जा रहा है, वो है इस देश की मीडिया। मैं ये बात पिछले 4 सालों से वॉच करने के बाद कह रहा हूँ। मैं टेलीविज़न में था जब आप 2014 का चुनाव लड़ने आए थे, और आज जब दुनिया वैश्विक महामारी से जूझ रही है, आज आपकी पहली बार मैं आपकी गलती नहीं मान रहा हूँ। मुझे लगता है अब तक आप जो भी कर रहे थे वो अपने राजनीतिक दुश्मनों के खिलाफ कर रहे थे, अब तक आप जो भी कर रहे थे वो बिजनेसमैन दोस्तों के लिए कर रहे थे, अब तक जो भी अब तक कर रहे थे वो आपका चुनावी स्टंट था। लेकिन अब सचमुच मानवता बचाने की लड़ाई है, अब सचमुच मानवता बचाने, अब प्लीज़ 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 आप इस तरह के वादों से निकलिए और हम धरती पर कुछ कीजिए, ज़मीन पर कुछ कीजिए, धरातल पर कुछ कीजिए, सच में कुछ कीजिए। शब्दों की जो आपकी जालसाजी है, शब्दों की जो आपकी बानगी है वो शानदार हैं, शब्दों के आप धनी हैं, शब्दों के आप रिच हैं। मुझे पता है आपका जीवन सड़कों पर गुजरा है, आपने बीजेपी के दफ्तर से लेकर कुर्सियां लगाई हैं, आपने आडवाणी के खूनी रथ यात्रा में सारथी का काम किया है, आपने इस देश के हर लोकल ट्रेन और में चक्कर काटे हैं, आपने गरीबी भी देखी है, आपने लाचारी भी देखी है, आपने छल कपट प्रपंच भी देखा है, और आप उन्हीं सबसे लड़ते हुए राजनीति के शिखर पर आए हैं, जहां एक पार्टी में आपका बोलबाला है, जहां आपके कहने से पत्ता नहीं हिलता है, और आपने एक 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 नेता के तौर पे, एक अनडेमोक्रेटिक इंसान के तौर पे, एक कम पढ़े लिखे के तौर पे आपने ये भी किया है कि आपने सारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म कर दिया और उन तमाम जगहों पर आपने अपने लोग बैठा रखे हैं, इसीलिए ये काम आपके लिए बहुत आसान है। पहले तो आपका बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है, 20 लाख करोड़ का जो आपने अनाउंसमेंट किया उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, 20 लाख करोड़ का मजाक उड़ाया जा रहा है, और उसकी वजह ये है क्योंकि इसकी वाजिब वजह है, आपके लोग याद कर रहे हैं, बिहार का वो पैकेज याद कर रहे हैं जब आप 1,75,000 करोड़ का पैकेज, सवा लाख करोड़ का पैकेज की आप बात कर रहे थे। आप खुद वो वीडियो सुन लीजिए, तब आप बताइएगा कि आप सच थे। तो ये देखिए, ये वीडियो आप सुन लीजिए, ये है 1,25,000 करोड़ का वीडियो। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1,25,000 करोड़ रुपया मेरे भाइयों बहनों। तो सुना आपने, ये वीडियो था 1,25,000 करोड़ का। उसके बाद आपने कल 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया है। मोदी जी, आप सचमुच चुनाव सोशल मीडिया से कैंपेन करके आपने चुनावी प्रचार में सबको मात दिया, चाहे वो भाषाई मात हो, चाहे झूठ बोलना हो, चाहे पैकेज का अनाउंसमेंट हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस देश में कोई दूध का धुला है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अब कम से कम झूठ बोलने का समय नहीं है। ये तस्वीर देख रहे हैं मोदी जी, ये देखिए किस तरह से एक परिवार एक तरफ बैल है और एक तरफ खुद को कंधे में जोत कर अपने आप को घर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये दूसरा वीडियो देख रहे हैं मोदी जी, ये वो लोग हैं जो लाचार हैं, बेबस हैं और किसी कीमत पर घर जाना चाह रहे हैं। ये तीसरा वीडियो देखिए मोदी जी, हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सुना पड़ा घर द्वार। ये मजदूर है, इसका गला काट दीजिएगा, लेकिन गला कहाँ से लाइएगा। ये गाना गा के आपको कह रहा है कि मुझे मोदी जी घर पहुंचा दीजिए। ये जो पता है मोदी जी, आपके 20 लाख करोड़ से इनका कोई लेना देना नहीं है, आपके टॉयलेट से कोई लेना देना नहीं है, इनको बस घर पहुंचा दीजिए, इनके पास खाना मुहैया करा दीजिए। ये कर सकते हैं आप, आपके पास सेना है, भारत की सेना में बहुत ताकत है, आपके खाद्य मंत्री ने कहा है कि लबालब भरा हुआ है आपके खाने का गोदाम, बस दो काम करना है आपको, मानवीय बनना है। हर जगह आपने पुलिस को चेक पोस्ट लगा रखा है, उस चेक पोस्ट पर खाना मुहैया करा दीजिए, ट्रेन मुहैया करा दीजिए, लोगों को घर पहुँचा दीजिए। इतनी तो बात कह रहे हैं, आपको पता है मोदी जी
चौथी बार लॉकडाउन का जैसे ही आपने अनाउंसमेंट किया है ना कि 18 मई से चौथा लॉकडाउन होगा, लोग रातों में देखिए तस्वीर को साइकिल से निकल रहे हैं। कल मुझे दिल्ली आपके घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर रात के ठीक 12 बजे दर्जनों ऐसे युवा मिले जो मोदी 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 करते थे और वो साइकिल से इसी तरह बिहार जा रहे थे। एक एक बाइक पर 4-4 लोग जा रहे हैं, ये खुशी से नहीं जा रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग अपने बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। सड़कों पर मौत का नाच हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, 400 से ज़्यादा लोग अब तक भूखमरी एक्सीडेंट से मर चुके हैं मोदी जी। और एक बात बताऊं, जिस मीडिया के घोड़ा पर सवार होकर आप 2014 में चुनाव जीते थे, जिस मीडिया के घोड़ा पर सवार होकर 2019 में चुनाव जीते थे, मोदी जी वही मीडिया आपको चुनाव हरा देगा। आप मानिए, आप मानिए इस बात को। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि तब लोग भूखे नहीं थे मोदी जी, तब लोग टीवी देख रहे थे और उस पर भरोसा कर रहे थे। मोदी जी ये टीवी आपको बर्बाद कर देगा, ये हरा देगा। और इस देश के विपक्ष के जो नेता हैं वो बहुत शातिर हैं, बहुत चालबाज हैं, उन्होंने आपसे राजनीति सीख ली है। वो नहीं चाहते हैं कि वो आप पर हमला करे ताकि आपको सिंपथी मिले, वो चाहते हैं कि आप इतनी गलती करें कि जनता आपको घर से बाहर फेंक दे, जनता आपको देश से बाहर फेंक दे, जनता आपको कुर्सी से बाहर फेंक दे। मैं चाहता हूँ मेरा पूरा जीवन का वोट आपका, मैं जब तक जिंदा रहूँगा मेरा वोट आपका है। बस आप इनको खाना पहुँचा दीजिए, इनको घर तक जाने दीजिए, इनको क्वारंटाइन कीजिए। शहरों में अभी भी करोड़ों लोग मोदी जी जिनके पास खाना नहीं है, किराए का पैसा मांगा जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन इसी में मानवता के बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। ये वीडियो देखिए मोदी जी किस तरह से एक महिला रात के 11 बजे, ऐसे लोग को संसद में होना चाहिए, इस तरह के वीडियो देखिए। ये जो सुधीर चौधरी, ये जो अर्णब गोस्वामी आपको दिखा रहा है ना कि 20 लाख करोड़ से भारत बदल जाएगा, आप यकीन मानिए इस बार आपको वोट नहीं देगा। 15% जो आपके भक्त हैं ना वो भी आपसे नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि उनका बिजनेस ठप है, वो भी अपने घरों में है। और जो 85% लोग जिसको आपने मुसलमानों के खिलाफ भड़का के, जिसने आपको राम मंदिर के नाम पर, जिसको आपने हिंदू कह के वोट लिया है ना मोदी जी, उसमें हर घर में हर कोई भूखा है, पैदल चलने के लिए मजबूर है, वो अब टीवी नहीं देख रहा है। मोदी जी ये टीवी अब आपको वोट नहीं दिलाएगा, अब उल्टा पड़ जाएगा। ये टीवी देख के आपको लगेगा कि भारत में सब कुछ अच्छा हो रहा है, गुडी गुडी हो रहा है, लेकिन जिस घर में खाना नहीं है, जो लोग पैदल चल रहे हैं, वो परिवार आपको माफ़ नहीं करेगा। अब मैं चाहता हूँ आप जीवन भर इस देश के प्रधानमंत्री बने रहें, आप चुनाव कराएं ना कराएं, आप जो कर दें हम बचेंगे जिंदा, इंसानियत बचेगी जिंदा, तभी तो कुछ होगा ना, बाद में देखेंगे। आप पहले घर पहुंचा दीजिए, लोगों को खाना खिला दीजिए। अगर घर नहीं पहुंचा सकते हैं, कोरोना का खतरा है, तो आपके पास पुलिस है, पुलिस हर मोहल्ले में घूम रही है, हर गांव में घूम रही है, आपके पास सेना है। जिस तरह से डॉक्टर मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से सरकारी कर्मचारी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ मोदी जी खाना पहुँचा दीजिए, नहीं तो टीवी के चक्कर में आप अब सत्ता में नहीं आने वाले हैं। और ये जो नेता विपक्ष हैं, ये जानबूझकर आपसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इस बार आप फंस गए हैं। इस बार आपका सीधा मुकाबला जनता से है, और किस जनता से? भूखी जनता से। किस जनता से? लाचार जनता से। किस जनता से? बेबस जनता से। मैं कहता हूँ कोरोना से भी आप जीत जाएंगे, आप अद्भुत भारत बनाइए, जो करना है कीजिए। आप बुलेट 100 नहीं 500 स्मार्ट सिटी बनाइए, जितना बुलेट ट्रेन चलाइए। बस मेरी प्रार्थना है मोदी जी, इन लोगों को घर पहुंचा दीजिए। इन देखा नहीं जाता है दर्द, ये टीवी अखबार वाला आपको दिखाता तो इनकी मत, सबसे बड़ा आपका दुश्मन टीवी अखबार वाला है, सबसे बड़ा दुश्मन इस देश में मीडिया है, आपको सच्चाई से बहुत दूर रखे हुए है। पहले मीडिया जो है वो जनता को सच्चाई से दूर रखे हुई थी, गुजरात मॉडल मोदी जी, आपको वोट मिल गया, अब आपको ही जनता के तकलीफ से दूर रखे हुए है। अब वोट तो जनता को देना है, जनता तो अब समझ रही है कि टीवी वाला झूठ बोल रहा है। इसलिए मोदी जी आप सोशल मीडिया देखिए, टीवी पर मत भरोसा कीजिए, लोगों को या तो घरों में खाना पहुंचाइए, वो जहां है वहां खाना पहुंचाइए, नहीं तो उनको घर पहुंचाइए। जितनी राज्य सरकारें हैं ना, सबका ठिकरा आप पर फरेगा क्योंकि आपने 4-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, राष्ट्र को संबोधित किया है। पहले हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त पर सुनते थे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करते हैं, आप पिछले 2 महीना में 4 बार आ चुके हैं, सारा नज़र आप पर है, आपने बहुत वाहवाही लूटी है,
आप कम से कम खाना पहुंचा दीजिए, आप यशस्वी प्रधानमंत्री होंगे, हमेशा इस देश के नागरिक बनेंगे, नहीं तो लोग मजाक उड़ा है। देखिए पैकेज वाला कितना मजाक उड़ रहा है, ये देखिए एक और वीडियो, किस तरह से आपने लाल किला से अनाउंसमेंट किया था उसका लोग मजाक उड़ा रहे हैं। हमने तय किया है कि इन कालखंड में 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे, जिसे रोजगार भी मिलेगा, जीवन में भी एक नई व्यवस्थाएं विकसित होगी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। देख लिया मोदी जी, मैं फिर कह रहा हूं आप टीवी अखबार के चक्कर में न मत पड़िए, क्योंकि इस बार सीधा सीधा जो नुकसान हो रहा है वो जनता को हो रहा है। अभी किसी को आप हिंदू मुस्लिम कह के नहीं बरगला सकते हैं, आप किसी को अभी किसी जाति मजहब पर नहीं बरगला सकते हैं, आप मॉब लिंचिंग भी नहीं करवा सकते हैं। अभी कुछ पंसरेट लोग थे वो भी अपने घरों में दुब के बैठे हैं, जो आपका भक्त है ना, जो आपका सपोर्टर है ना, जो आपका आईटी सेल है ना, वो भी जानता कि बाहर निकलेंगे तो कोरोना हो जाएगा। इसलिए जो मजदूर लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, जो मजबूर हैं, ये वीडियो देख रहे हैं ना दूसरे विंडो में, ये सब सही वीडियो है। सड़कों पर लाखों लाख लोग चल रहे हैं, हर बड़े शहर से, हर छोटे शहर से, हर स्टेट कैपिटल से। कौन देगा आपको वोट? अब भी इस टीवी अखबार के चक्कर से निकलिए। और मैं इस देश के लोगों से कह रहा हूँ, टीवी अखबार ने बर्बाद कर दिया था, पहले आपको बर्बाद किया, आपने मोदी जी को वोट दिया, अब मोदी जी को बर्बाद कर रहा है और आपका वोट उनसे दूर करा है। मोदी जी, टीवी तभी अच्छा लगता है जब पेट भरा हो। अब सब सोचिए, जिस घर में खाना नहीं है, जिस घर का हर एक आदमी, 85% आबादी है इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी का, उसका हर एक आदमी सड़कों पर पैदल है, क्या वो परिवार आपको वोट देगा? क्या वो परिवार आपको माफ़ करेगा? लेकिन ये टीवी वाला नहीं दिखा रहा है। पता है टीवी वाला क्यों नहीं दिखा? उसको पता नहीं चल रहा है कि प्रधानमंत्री से नाराज़ होंगे। उसको लग रहा है कि हम इस तरह की खबर दिखाएंगे तो देश में गुस्सा भड़केगा। वो ठीक सोच रहा है, जैसे वो आपके लिए अच्छा अच्छा खबर, लेकिन उसके अब इस बार क्या है कि हर देशवासी को पता है, सबके परिवार में पीड़ित है, सबके परिवार से कोई ना कोई पैदल चल रहा है, सबके परिवार से कोई ना कोई भूखा है। तो टीवी वाला जैसे ही कहता है कि सब ठीक है, उसका गुस्सा और बढ़ता है। आप समझिए इस वास्तविकता को। आपका लोग मजाक उड़ा रहे हैं मोदी जी, आपका ये मीडिया वाला, अखबार वाला आपको सत्ता से दूर कर रहा है, आपके नाम को खराब कर रहा है, आपके जो भी थोड़े बहुत अच्छे काम होंगे वो सब मटिया मेट हो जाएगा, क्योंकि भूख के आगे कोई आग ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है। लोगों के भूख की आग लगी है, लोग बेबस हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, अपने अपने परिवार को लेकर, अपनी एक एक गठरी को लेकर। मोदी जी, इस टीवी के चक्कर में मत पड़िए। और ये जो आपका 20 लाख करोड़ है ना, इसका अचार डालेंगे क्या लोग? आप बस अब सोचिए, लोग कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जो आदमी 20 लाख करोड़ का घोषणा करता है वो खाना पहुंचाने की हैसियत नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि 20 लाख करोड़ की घोषणा करते हैं आप, आपकी हैसियत ट्रेन फ्री चलाने की नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं मोदी जी? इंग्लैंड में पैकेज आया है, मैं बताऊंगा आपको कैसे पैकेज बंट रहा है। 20 लाख करोड़ में से सिर्फ 4.2 लाख करोड़ खर्चा होगा, मजदूर गाना गा रहा है। मैं कुछ बता दूँ मोदी जी, ये मीडिया आपको नहीं बताएगा। और इस बार आप मीडिया के चक्कर में, आपको लगता है कि मीडिया सब कुछ ठीक कर देगा, तो आप भरम में हैं। और ये जो विपक्षी नेता है ना, ये आपको जानबूझकर छोड़े हुए हैं, कोई आलोचना नहीं करेगा आपकी। कांग्रेस जानती है कि जितना ज़्यादा आप गलती करेंगे, जनता के खिलाफ जाएंगे, उतना ज़्यादा वो कांग्रेस के पास जाएंगे, विपक्षी नेताओं के पास जाएंगे। इसलिए वो लोग कमर कस के बैठे हुए हैं कि इस बार मोदी जी का पाला सीधे जनता से पड़ा है, भूख से पड़ा है, गरीबी से पड़ा है, लाचारी से पड़ा है। मोदी जी इस बार समझ जाइए, आपको कुछ नहीं बजने वाला है। तो देखिए, 15 लाख से शुरू हुई विकास यात्रा 20 लाख करोड़ तक पहुंची है। बीच में एक पड़ाव पटना में 1,25,000 करोड़, पिछला 1,70,000 करोड़। मोदी जी 1,70,000 करोड़ कहा था, उसका कुछ नहीं हुआ। लोग लगातार मजाक उड़, मेरा तरफ 50 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, मेरी तरफ से 40 लाख करोड़। एक किसान कहता है, क्या मजाक है, शुरू किसने किया, किसान कहता है, ये सब कार्टून बना रहे हैं। कोरोना का खतरा न थमा है, घटा है, प्लान अभी भी जारी। इन मजदूरों को समय से सुरक्षित घर तक पहुंचाने का खर्च 1,00,000 करोड़ रहा था मोदी जी। कल तक आपके भक्त बता रहे थे कि सरकार के पास पैसे नहीं, कल आप 20 लाख करोड़ का जुमला फिर फेंक गए। आप और आपके भक्त एक जैसे बेरहम है क्या मोदी जी? आप सोचिए आपका क्या होने वाला है। लोग फल सब्जी बेच करके, मेहनत करके कमा रहे हैं, और मैं आपको लगातार वीडियो दिखा रहा हूँ। सोचिए मोदी जी, आप समझिए। देखिए लोग साइकिल से चल रहे हैं,
एक बिस्किट एक पानी, लोग मदद कर रहा है, जिसके पास जो भी पैसा है वो मदद कर रहा है। आप बस घर पहुंचाइए या फिर खाना पहुंचाइए लोगों को, लोगों को भरोसा दीजिए मोदी जी। सब लोग आप देखिए ये किस तरह से बाईपास, इंदौर बाईपास पर लोग अपने परिवार को बैल से लेके जा रहे हैं। मेरे भाई विकास, एक बताता हूँ कैसे कैसे जो है किस तरह से मोदी जी, ये जो आपने जो पैकेज दिया है ना, इंग्लैंड ने भी पैकेज का ऐलान किया है। मैं दिखा रही, ये सबसे खतरनाक तस्वीर देखिए मोदी जी, एक आदमी अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को कैसे खींच कर ला रहा है। इनको, इनका ख्याल करिए मोदी जी, घर पहुंचाइए, नहीं तो इस बार आपका कुछ नहीं बचेगा। मैं सही कह रहा हूं आपको कि आप इस बार मीडिया के चक्कर में फंस जाएंगे मोदी जी, क्योंकि हर घर से कोई ना कोई पीड़ित है, हर घर से कोई ना कोई पीड़ित है। आपके रेल मंत्री झूठ बोल रहे हैं, कहते हैं 6 दिन में 1800 ट्रेन चलाई, रेलवे ने कहा 163 ट्रेन चली है। मैं बता रहा हूँ, ये देखिए यूके में, यूनाइटेड नेशन, इंग्लैंड में कैसे हुआ। कोरोना पैंडमिक के दौरान जो पैकेज जारी किए इंग्लैंड ने, वो पैकेज थे जैसे घर बैठे कर्मचारी को 3 महीने तक 80% सैलरी देना, सिर्फ सरकारी जैसा कुछ नहीं, जो भी पेरोल पर सेल्स पर्सन से लेकर पब में काम करने वाला भी, सबके तनख्वाह अकाउंट में गया है। चैरिटी को सपोर्ट करने वाला, जो लोग खाना बांट रहे थे उनको मदद की गई है, और बिजनेस को 10,000 पाउंड की आर्थिक मदद, बड़े बिजनेस को 25,000 की आर्थिक मदद, ऊपर से 50,000 तक बिजनेस लोन, 1 साल तक नो इंटरेस्ट, जो सरकारी कर्मचारी थे उनका बीमा, ये तमाम चीज़ें हो चुकी है। आपने अभी 1,70,000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया था, कहाँ पर ऐसा पहुँचा। एक लंबी लाइन देखिए, 500 के लिए आपने ये लाइन देख लीजिए, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है 500 के लिए। ये लोग आपको वोट देंगे, इस बार आपका टीवी से नुकसान होगा मोदी जी। पहले टीवी ने आपका फ़ायदा कराया 2014-2016 में, क्योंकि लोग का पेट भरा हुआ था। जब पेट भरा हुआ था तो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, जब पेट भरा हुआ था तो लोग राम मंदिर के लिए आंदोलन कर रहे थे, जब पेट भरा हुआ था तो लोग टीवी देख रहे थे। मोदी जी भूखा पेट है इस बार लोग टीवी देख नहीं रहे, टीवी फोड़ रहे हैं। बस मैं फिर कह रहा हूँ मोदी जी, आप मान लीजिए इस बात को, और अच्छा लगता है मुझे आपने जो 4 बार जो राष्ट्र को संबोधित किया, 4 बार नए कपड़े पहन कर आए हैं, अच्छा लगा। समर अनार है, पता नहीं कैसा है, लिखता है कि आज तक आपने कोई कपड़ा ही रिपीट नहीं किया। ये तो हम लोग नेहरू जी के बारे में कहावत सुनते थे, सही बात है, ये तो आप बताइएगा देश को, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ मोदी जी कि आपको इस बार टीवी ने फंसा दिया है। ये वीडियो सब देखिए, लाचार लोगों के, बेबस लोगों के, इनको घर तक पहुंचाइए मोदी जी, नहीं तो आप इस बार चुनाव तो दूर की बात है, लोग की बद्दुआ लगेगी आपको। कोई ऐसा घर नहीं है 85% आबादी का, कोई ऐसा घर नहीं है जिसका कोई सड़क पर नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसका कोई भूखा नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसका कहीं कोई फंसा हुआ नहीं है, कोई ऐसी माँ नहीं है जो अपने बेटे के इंतज़ार में है, कोई ऐसी बहन नहीं है जो अपने भाई के इंतज़ार में है, कोई ऐसा भाई नहीं है जो अपनी बहन के इंतज़ार में है, कोई ऐसा बेटा नहीं है जो अपनी माँ के इंतज़ार में है, बाप के इंतज़ार में, रिश्तेदार के, सब कोई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। पता है मोदी जी, ये देश ऐसे ही चलता था, आपके गुजरात में सबसे बुरा हुआ है। आपको क्या लगता है, बड़ी साजिश कह रहे हैं लोग कह रहे हैं कि आपका जो कानून मंत्री गड़बड़ी करके चुनाव जीत गया था और हाईकोर्ट का फैसला आया है, आपने उस फैसले से ध्यान भटकाने के लिए कल ये पैकेज का जुमला फेंका, ऐसा लोग लिख रहे हैं मोदी जी। अब सोचिए, लोग पूछ रहे हैं कि जब एक विधायक गड़बड़ी कर सकता है तो आपने भी 2019 के चुनाव में गड़बड़ी किया होगा, भयानक बड़े पैमाने पर गड़बड़ी किया होगा, और ये पहले से लोग कह रहे थे। कोर्ट आपके हाथ में है, चुनाव आयोग आपके हाथ में है, सेना को आपने अपने हाथ में कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट आपके हाथ में है, लेकिन जनता की बात नहीं सुनेंगे ना तो कोई काम नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मीडिया पर से भरोसा छोड़ दीजिए। अगर आपका मीडिया अभी ऐसी होता तो वो सही खबरें दिखाता, वो लाचारी भूख गरीबी दिखाता, और मुझे भरोसा है जितना आपके पास ताकत है, जितना इस देश के पास संसाधन है, जितना इस देश के पास फौज को ताकत है, चुटकियों में इस समस्या दूर हो सकती है। लेकिन टीवी वाला आपका दुश्मन है, वो दिखा ही नहीं रहा है। टीवी वाला को लग रहा है कि हम खबर दिखाएंगे असली तो साहब नाराज हो जाएंगे। सच्चाई है कि साहब को नाराज न करने के चक्कर में पूरा देश नाराज है। अब भूखे तक कोई टीवी देखेगा नहीं मोदी जी, भूखे टीवी वाला आपका कितना प्रचार प्रसार करे, लोग बर्दाश्त तो करेगा नहीं, भरोसा करेगा नहीं। 2 बार चुनाव में इसलिए किया क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था, उसको हिंदू मुस्लिम में मज़ा आ रहा था, उसको मंदिर मस्जिद में मज़ा आ रहा था, टीवी देख के उसने मनोरंजन करके वोट डाल दिया।
लेकिन भूखे पेट भजन नहीं होता है मोदी जी। तो ये सब वीडियो देखिए, ये वीडियो जानबूझकर मीडिया वाला नहीं दिखा रहा है। अच्छा, उसका रोजी रोटी चल रहा है, आप उसको ऐड दे रहे हैं, उसको प्रचार दे रहे हैं। सोनिया गांधी की अगर बात मान लेते तो सब ठीक हो जाता, आप ना ऐड देते, टी वी वाला आपके खिलाफ़ सही खबरें दिखाता, सही खबरें दिखाता तो उसकी जनता की मदद होती, मदद होती तो आपका लोग नाम लेते। आपको पता है हमारी यहाँ कहावत है कि कर्जा खायल, जो कर्ज लेता है ना किसी का और जो किसी से मदद लेता है वो कभी नहीं भूलता है। मोदी जी अगर आपने खाना पहुंचा देते, आप लोगों को घर तक पहुंचा देते, या जो जहां है वहां खाना पहुंचवा देते खाली, तो जीवन में कभी कोई आपसे विरोध नहीं। अगर हम लोग बोलते ना आपके खिलाफ तो लोग मारने के लिए दौड़ते, कहते कि नहीं ये प्रधानमंत्री हैं, गरीबी से निकले हैं, गरीबों के लिए दर्द है। लेकिन पता है मोदी जी क्या हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है। लोग कह रहे हैं ये अंबानी अडानी के यार हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ आप, मैं जानता हूँ आप गरीबी से निकले हैं, आपके चप्पल घिसे हैं, आपने कुर्सियाँ लगाई है बीजेपी दफ्तर में, आडवाणी जी ने आपको 20-20 दिन दौड़ाया है अपने घर पर एक कमरे के लिए। मुझे पता है आप राजनीति में किसी भीख के सहारे नहीं आए हैं, आपने बड़ा संघर्ष किया है, आपने बड़े छल पर पंच किए हैं। क्या क्या हुआ आपके राज में वोट के लिए, हिंदू मुस्लिम पुलवामा गुजरात दंगा सब भूल जाते लोग, आप पर जितने दाग लगे थे ना सब भूल जाते लोग। पीएम केयर के पैसा ही दे दीजिए, लोग कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री ट्रेन नहीं चलवा सकता वो किस मुँह से 20 लाख करोड़ की बात कर सकता है, जो प्रधानमंत्री खाना नहीं पहुंचा सकता वो किस मुँह से 20 लाख करोड़ की बात कर रहा है, जो प्रधानमंत्री दवाई नहीं दिलवा सकता वो किस मुँह से 20 लाख करोड़ की बात कर रहा है, जिस प्रधानमंत्री की गुजरात में एक सरकारी अस्पताल नहीं खुला आज तक एम्स जैसा, वो किस मुँह से 20 लाख करोड़ की बात कर रहा है। मोदी जी समझिए मेरी बात को, अभी भी मौका है, इन लोगों को घर तक पहुंचा दीजिए। बहुत लाचार हैं, बहुत बेबस हैं लोग, 2000 कोरोना से मरे हैं, 400 से ज़्यादा लोग लाचारी में मर गए हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया। कोई ऐसा परिवार नहीं मिलेगा जो लाचार नहीं है, जो अमीर से अमीर है वो भी लाचार है, बेबस है, और जो रोज़ कमाने खाने वाला उसकी तो कमर टूट गई है। मोदी जी उसका कुछ कीजिए, नहीं तो मैं यकीन कह रहा हूँ ये टीवी वाला सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देगा तो 20,000 वोट होगा, इनके खानदान परिवार सब मिला के 20 से चलिए 5 लाख, इस देश में 5 लाख जातिवादी ब्राह्मणवादी मनुवादी पत्रकार होंगे, उसके वोट से क्या होगा, आप एक लोकसभा नहीं जीत पाएंगे। इस बार टीवी वाला अगर सच्चा खबर दिखाता है, अगर आप मदद करते हैं लोगों की, आपके पास ताकत है, आप कर सकते हैं, तो आप फिर चुनाव जीत जाएंगे या आप यशस्वी प्रधानमंत्री कहलाएंगे। लेकिन अगर ये टीवी वाला सबके बात में रहेंगे तो ये लोग का परिवार चल रहा है, ये लोग की टीआरपी आ रही है, ये लोग माल पीट रहा है, लेकिन जनता भूखे मर रही है, और वो जनता इस बार टीवी पर भरोसा नहीं कर रही है। माइक पहुंच जाए तो देखिए उसका क्या रिएक्शन है, सबसे पहले वो टीवी वाले को दौड़ाएंगे, फिर आपको खरी खोटी सुनाएंगे। मैं रोज़ सड़कों पर जाता हूँ, मैं रोज़ देख रहा हूँ, सोशल मीडिया आप देखिए, आप तो सोशल मीडिया 2014 में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सत्ता में आए थे, 2019 में आपने सोशल मीडिया इस्तेमाल किया था, अब कम से कम असली खबरों के लिए ये सुधीर अर्नब ये तमाम जितने चैनल हैं, मैंने नौकरी की है मैं जानता हूँ, ये सब आपको चापलूसी कर रहे हैं, और इसी तरह से ये कांग्रेस की चापलूसी करते थे इसीलिए ख़त्म हो गया। पता है मोदी जी टीवी वजह से अन्ना का आंदोलन कैसे हिट हुआ था, टीवी से आप सत्ता में कैसे आए, टीवी से। लेकिन जब टीवी वाला लोगों का भूख नहीं दिखा रहा है तो आपको क्या लग रहा है, सीधा कनेक्शन है उसका, भूख का सीधा कनेक्शन है दिमाग से, पेट में, कहते नहीं है किसी के दिल में उतरना हो तो पेट के रास्ते जाइए, मतलब उसको अच्छा खिलाइए। आपको क्या लगता है आप भूखे रख के 20 लाख करोड़ 40 लाख करोड़ 50 लाख करोड़ के जुमला से किसी को फंसा देंगे, जब आदमी के पेट में भूख लगता है ना प्रधानमंत्री जी, आप तो पता है आपको, आपने तो कितनी रातें भूख से गुजारी है, गुजरात में रहे हैं आप, अहमदाबाद में आपने गरीबी झेली है, मेहसाना में आपने गरीबी झेली है, मुंबई में आपने गरीबी झेली है, आपने दिल्ली में गरीबी झेली है, पार्टी दफ्तर में खिचड़ी चोखा खा के आपने गुजारा है गोविंदाचार्य जी के साथ, आपसे ज़्यादा गरीबी कौन जानता है। तो कितनी तरफ है आपको कांग्रेस को ख़त्म करने की, क्योंकि आपने गरीबी देखी है, उसी तरह से जनता लाचार है, मजबूर है मोदी जी, आप मान लीजिए इसकी बात, आप पहुँचाइए खाना, आप पहुँचा दीजिए इनको घर, आप फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं तो टीवी मीडिया वाले की वजह से आप बर्बाद हो जाएंगे। गांठ बांध लीजिए, इस बार खेल उल्टा पड़ रहा है, पहले लोग का पेट भरा हुआ था तो वो टीवी अखबार करता था, अब पेट खाली है, अब लोग ऐसे सड़कों पर चल रहे हैं इसलिए आपका मजाक उड़ा रहे हैं। ये जो अभी जो आप 20 करोड़ किए हैं कहे हैं ना,
इससे पहले वाला सब अनाउंसमेंट पर भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बतौलेबाज हैं, सिर्फ बतौलेबाजी करते हैं, अब से भी कुछ नहीं बिगड़ा है। प्लीज़ 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 लोगों की मदद कीजिए, जो जहाँ उसको खाना पहुँचाइए, नहीं तो इस बार आपसे जनता इतनी नाराज़ है, क्योंकि हर घर का सीधा सीधा संबंध गरीबी से और भुखमरी से है। आपको इस बार जनता माफ़ नहीं करेगी और टीवी वाला आपका वोट मैनेज नहीं कर पाएगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, आपका आलोचक हो सकता हूँ, मैं आपका प्रधानमंत्री, आप हैं इस देश के, हमारे भी प्रधानमंत्री है, मैं एक पत्रकार हूँ, मेरा काम है सिर्फ सच बोलना, मेरा काम है सिर्फ सच दिखाना। अगर लोगों के घर में खाना होता तो मैं बताता कि खाना है, लोगों के घर भूखे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि भूखे हैं। आप हम आपके सच्चे ही तैसी हैं मोदी जी, निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। कितना बढ़िया बढ़िया आप संस्कृत का श्लोक ले आते हैं, उससे पेट नहीं भरता है मोदी जी, पेट भरने के लिए राशन चाहिए, शासन नहीं, भाषण नहीं। टीवी देख के पेट भर जाता तो आप यशस्वी प्रधानमंत्री होते, आप हमेशा के लिए प्रधानमंत्री। मोदी जी टीवी देख के पेट नहीं भरता है, ये सब तभी अच्छा लगता है जब पेट भरा हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बार टीवी नहीं बचा पाएगा आपको, अखबार नहीं बचा पाएगा आपको, क्योंकि हर घर का नागरिक आपसे नाराज है, पूरा भारत नाराज है, लाचार है, बेबस है, भूखा है। इसलिए अभी भी मौका है, कुछ ऐसा कीजिए, 50 दिन का समय था, कर देते, लोग नोटबंदी भूल जाते, GST भूल जाते, गोधरा भूल जाते, मानवता खतरे में है। लोग जानते हैं कि ये सब कुछ कोरोना की वजह से हो रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से, कोरोना से निपटने के लिए आप भूखे नहीं मार सकते लोगों को, लाचार बेबस लोगों को। इसलिए मेरी गुजारिश है कि एक पत्रकार के तौर पर मैं बता रहा हूँ, टीवी अखबार पर भरोसा मत कीजिए, वो आपका चापलूसी कर रहा है, और विपक्ष इसीलिए चुप है, वो चाहता है कि आप इतनी गलतियाँ करें, आप इतनी गलतियाँ करें, लोग आपसे इतना नाराज हो जाएं कि आपको खुद सत्ता से फेंक दें। आपने भी तो यही किया था, कांग्रेस को आपने इसीलिए तो गलती करने दी, और इसमें टीवी वाला आपको बर्बाद कर रहा है। और एक बात मैं इस देश की जनता से कह दूं, आपका दुश्मन जितना सरकार नहीं है उतना टीवी और अखबार है। अगर टीवी और अखबार ने सही समय पर खबर दिखाया होता तो आज आपकी ये हालत न होती। ये जो झूठे फरेबी मक्कार लोग हैं, चापलूस लोग हैं, इन्होंने सरकार को अंधेरे में रखा हुआ है। सरकार हर घर से तो जाएगी नहीं पता करने, टीवी अखबार से लोग देख के पता करते हैं कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ अच्छा है, लेकिन ये लोग तो चापलूसी में लगा है। तो इस देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो टीवी और अखबार का है, क्योंकि ये जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी, चापलूस मीडिया लोग सरकार को अंधेरे में रखे हुए है। तो हमारी आपकी क्या हैसियत है? क्या मेरी राय से आप लोग सहमत हैं? सहमत है तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपका कमेंट्स, लाइक्स, डिसलाइक करते हैं तो वो भी बताइए, लेकिन अपनी राय जरूर लिख के बताइए कि क्या मीडिया की वजह से ही ये सारी समस्या नहीं है, क्योंकि सरकार को गलत खबर दी जा रही है और सरकार कुछ भी इनिशिएट नहीं कर रही है। रही बात पैकेज की, तो फिर से सुन लीजिए, मोदी जी के पहले भी पैकेज के अनाउंसमेंट हुए हैं, अब लोग इनको मजाक में लेने लगे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।